दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन अब धीरे धीरे देश के दूसरे राज्यों में भी फैल चुका है। हमें कई बार अपराधियों पर बुलडोजर कार्यवाही देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश के अलावा भी मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में, राइट। तो अब देखिए, इस बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुझाव भी मांगे कुछ, और इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं, यहाँ तक कि आरोपी नहीं बल्कि दोषी भी साबित हो गया तब भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं गिराया जा सकता है। तो क्या ऐसे में जो यूपी की योगी सरकार और जो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस सरकार है वो बुलडोजर कार्यवाही करती है, क्या वो लीगल है या इलीगल है? आइए देखते हैं और समझते हैं दोस्तों कि देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपराधियों पर बुलडोजर चलाने के क्या मायने हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर क्या कहा। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही करने पर सुनवाई हुई, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये साफ साफ कह दिया कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो उसकी प्रॉपर्टी गिराने की कार्यवाही कैसे की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना ये तो कार्यवाही का कोई सही तरीका नहीं है। हालांकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान एक और बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें और हम पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर एक गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस याचिका में ये आरोप लगाए गए कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहां मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा, मतलब स्पेशली मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। तो ये याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब देखिए जरा समझिए कि इसमें केंद्र सरकार ने क्या कहा। वैसे आपको बता दूं, अब इस मामले पर केस की सुनवाई इसी महीने 17 सितंबर को होगी, ठीक है, लेकिन आज की सुनवाई में क्या कुछ बहसबाजी हुई, क्या कुछ बातचीत हुई, अब जरा समझिए आप। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों आज केंद्र सरकार ने कहा कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया, बल्कि आरोपी के अवैध कब्जों पर म्यूनिसिपल एक्ट के तहत ये एक्शन लिया गया, ये कहना साफ साफ केंद्र सरकार का। जबकि इधर जमीयत के वकील फारूक रशीद का ये कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए ही राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही है। याचिका में ये भी आरोप लगाए गए कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना ही पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया। अभी तक दोस्तों तीन ऐसे राज्य हैं जहां पिछले तीन महीनों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिले। एक घटना पिछले महीने अगस्त की थी जिसमें मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी की कोठी पर एक्शन लिया और बुलडोजर चलाया गया। अगस्त महीने की ही एक और घटना राजस्थान के उदयपुर में दो बच्चों में चाकूबाजी के बाद जो माहौल काफी खराब हो गया था आपको पता होगा, तो इस घटना में भी आरोपी के घर बुलडोजर चला। और इससे पहले जून महीने की एक घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बलिया में, दो आरोपियों की 6 संपत्तियां तोड़ी गई, इन पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। मध्य प्रदेश के आंकड़े भी देखें तो पिछले 2 साल में 12,000 बुलडोजर एक्शन देखे गए। कमलनाथ सरकार ने इसका ट्रायल किया लेकिन शिवराज सरकार ने बुलडोजर एक्शन को स्पीड दी, और अभी मध्य प्रदेश की नई सरकार डॉक्टर मोहन यादव भी इसी राह पर चल रहे हैं, आखिर क्यों, सबसे बड़ा सवाल। ऐसे में दोस्तों अलग अलग राज्यों में बढ़ रही अब बुलडोजर एक्शन की घटनाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की और देश भर से सुझाव भी मांगे सभी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से भी। हालांकि केंद्र सरकार ने इन सब में यही कहा कि बुलडोजर एक्शन अपराध की वजह से नहीं बल्कि जो अतिक्रमण और गलत तरीके से रूल्स के अगेंस्ट निर्माण कार्य किया हुआ उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन यहाँ भी एक सबसे बड़ा पेचीदा सवाल ये है कि कई और आम लोग भी जो अतिक्रमण किए हुए हैं या जो रूल्स के अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य किए हुए हैं उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता, बल्कि जो अपराध करने वाले लोग बाग होते हैं उन्हीं के अतिक्रमण को क्यों ढहाया जाता है? तो ये प्रशासन के लिए एक सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना जरूरी है। और बाकी देखते हैं अब 17 तारीख को इस मुद्दे पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, क्या आदेश जारी किया जाता है देश के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा।